हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर अ न्यू पोयम पोम पोम हो गई है प्रोनाउंसिएशन अब इसकी पोएम जो हम पहले बोलते थे खैर अभी हम लोग पोएम ही बोलेंगे ऑफ क्लास फोर्थ इंग्लिश विच इज अ वॉटरिंग राइम तो क्योंकि ये फर्स्ट ही वीडियो है इस पोएम की सो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर पोयम एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में वी विल रीड द पोयम ऑल्सो एनसीआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़ी पोयम नहीं है दो ही पैराग्राफ्स की और कुछ ऐसा बहुत न्यू वर्ड्स या फिर बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ऐसा भी कुछ नहीं है बहुत ईजी सी पोयम है आपकी वाटरिंग राइम यानी कि वाटर जो करते हैं आप प्लांट्स को उसके बारे में पोयम है सो लेट्स बिगन नाउ शुरू करते हैं इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल तो वीडियो के नीचे राइट साइड में जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसको टैप कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बिकॉज आप जानते हैं इसके बाद आपकी दो वीडियोज और आएंगी एक चैप्टर की ही इसी पोएम की ही एक वर्कशीट की जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे केवी की जो वर्कशीट है और एक क्विज की जिसमें कि टेस्ट होगा कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है तो वो मिस ना हो आपसे इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ओके लेट्स स्टार्ट नाउ सो रीडिंग से शुरू करते हैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ में रीड कर देती हूँ क्योंकि कई बार प्रोनाउंसिएशन भी गलत करते हैं वर्ड्स की अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर इसको आर बोलना है कई बच्चे इसको आवर हावर पता नहीं क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं आर जैसे आप आर ये बोलते हैं ना सेम प्रोनाउंसिएशन है इसकी भी आर द टाइम्स टू वॉटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर वॉटरिंग एट नून डे वेन द सन इज हाई डजेंट हेल्प द फ्लावर ओनली मेक्स दम डाय सो अर्ली अब एक्सप्लेन करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में या फिर इवनिंग आर में शाम के जो शाम का जो टाइम होता है उसमें आर द बेस्ट टाइम्स टू वॉटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर सबसे बेस्ट टाइम है कोई किसी भी टाइप का फ्लावर हो उसको वाटर करने का अगर आपको पानी देना है पौधों में फूलों में तो सब या तो सुबह सुबह दीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर शाम को दीजिए ये बेस्ट टाइम है वाटरिंग एट नून डे अगर आप नून डे में दोपहर को पानी देते हैं वेन द सन इज हाई जबकि सूरज एकदम हाई होता है डजेंट हेल्प द फ्लावर्स तो ये फ्लावर्स की कोई हेल्प नहीं करता आप ये मत सोचना पानी दे रहे हैं तो हम हेल्प कर रहे हैं नहीं ओनली मेक्स देम डाई बल्कि उल्टा इट विल मेक देम डाई वो उनको डाई मतलब मुरझा जाते हैं जब फूल दैट इज समथिंग तो उसमें वो ही करेगा वो हेल्प नहीं करेगा बल्कि उसकी तो कब वॉर्टर करना है प्लांट्स को या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर इन द इवनिंग आर ओके नेक्स्ट पिक्चर्स बहुत अच्छी है इसकी ऑल्सो वेन यू वॉटर वॉटर एट द रूट्स और जब आप ओके okay, पहले रीडिंग कर लेते हैं फ्लार्स कीप देर माउथ वेयर वी शुड वेयर आर बूट्स

When you water, जब आप water कर रहे हैं पानी दे रहे हैं water एट द roots. ऐसा देखा गया है कि जो पेड़ होते हैं कई लोग पत्तियों के ऊपर पानी डालते रहते हैं दैट इज ऑफ नो यूज वो कोई फायदे का नहीं है कहां पर water करना है आपको उनके रूट्स में Flowers कीप their माउथ Flowers का माउथ माउथ कहां पर होते हैं उनके flowers कीप their माउथ Flowers अपना माउथ रखते हैं वेयर जहां वी शुड वेयर our बूट्स जहां पर आप अपने बूट्स पहनते हैं पैरों में वहां पर फ्लॉर्स का क्या माउथ होता है यानी कि जो हमारे बॉडी का सबसे नीचे का पार्ट है बूट्स फ्लार पेड़ का प्लांट का सबसे नीचे का पार्ट होता है रूट वहां पर क्या होता है उनका माउथ होता है एक्चुअली में सोक द अर्थ अराउंड देम वो क्या करता है जो अर्थ है चारों तरफ उनके वो पानी को सोक कर लेती है अपने उसमें अब्जॉर्ब कर लेती है सोख लेती है एक तरीके से देन थ्रू ऑल द हीट उसके बाद जो हीट है उसकी वजह से द फ्लार्स विल हैव वाटर फ्लार्स तक पानी पहुंच जाता है फोर देअोस्टी फीट उनके थोस्टी फीट से देखिए क्या होता है धरती बहुत गर्म होती है और जैसे आप पानी डालेंगे वो जल्दी से ही सोक कर लेगी ओके तो हीट की वजह से अपनी जो उसके अंदर हीट है उसकी वजह से और उसके बाद फ्लार्स को क्या मिल जाएगा वाटर मिल जाएगा उनके थोस्टी फीट के लिए फीट यानी कि यहाँ पर रूट्स की बात हुई है जैसे आपके फीट होते हैं ऐसे उनके रूट्स जो है वो उनके फीट होते हैं और फिर क्या होता है देखिए आपने प्लांट के रूट्स को पानी दिया रूट से फिर स्टेम से पानी कहां तक जाता है उनकी लीव्स तक क्योंकि आप जानते हैं पेड़ को पानी क्यों चाहिए खाना बनाने के लिए और खाना कहां पर बनता है लीव्स में क्योंकि लीव्स को किचन कहा जाता है प्लांट का ये भी आपको पता होगा तो पहले तो वाटर कब करना है सेकेंड पैराग्राफ में बताया कि वाटर कैसे करना है ओके इफ यू वॉन्ट टू वाटर द प्लांट वाटरिंग राइम्स में ये बताया हुआ है और ये पोएम किनोने लिखी है पोएट का नाम जरूर याद रखिएगा पीए रोप्स ओके न्यू वर्ड्स आर आर मतलब तो आपको पता होगा एक घंटा सिक्सटी मिनट्स का जो टाइम होता है वॉटरिंग वॉटर water करना टू वॉटर सम वन पानी देना किसी को स्पेशली प्लांट्स के लिए ही यूज होता है ये वर्ड ह्यूमन बींग को अगर आप पानी देते हैं तो उसे वॉटरिंग नहीं बोलेंगे गिविंग वाटर बोलेंगे नून डे तो दोपहर का जो टाइम है आपका बूट्स शूज जो होते हैं आपके सोक अब्सॉर्ब कर लेना सोक कर लेना हीट गर्मी ओके okay, सो so ये न्यू वर्ड्स हो गए नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द क्वेश्चन क्वेश्चन एंड एंड वी विल डिस्कस आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स प्लांट्स को वाटर करने का बेस्ट टाइम कौन सा है तो आंसर आप इसका क्या लिखेंगे आंसर मैं बता देती हूँ लिख के बिकॉज आपको ये आंसर अपनी कॉपी में भी लिखने होते हैं कई बार एग्जाम में भी लिखने होते हैं तो आंसर होगा अर्ली इन द मॉर्निंग या तो अर्ली मॉर्निंग में दीजिए एंड इवनिंग या फिर शाम को दीजिए आर द बेस्ट टाइम्स टू प्लांट द वॉटर ये बेस्ट टाइम है वाटर को सॉरी uh, प्लांट्स को वाटर करने का सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट शुड वी नॉट वेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट वेन मतलब कब कब आपको प्लांट को बिल्कुल भी वाटर नहीं करना चाहिए दैट इज वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द मिड डे या फिर इन द नून डे ड्यूरिंग द नून डे अगर आप नून डे में दोपहर के आसपास पानी देते हैं प्लांट को तो वो आप उनका फायदा नहीं कर रहे हैं यू आर जस्ट मेकिंग देम डाई आप उनको मुरझाने के लिए और वो कर रहे हैं पानी नहीं देना चाहिए उस टाइम तो ये तो कभी नहीं होना चाहिए मिड डे भी लिख सकते हैं आप मिड डे भी मतलब आधा दिन होता है नून डे भी लिख सकते है। हैं नून डे बेटर रहेगा बिकॉज एनसीआर में ये वर्ड यूज हुआ है नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वॉटर कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट को वाटर करना चाहिए सो so, रूट्स को द रूट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर रूट्स को आपको वाटर करना है आप जानते हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के लीव्स होती हैं एंड देन फ्रूट रूट स्टेम ब्रांचेस ओके तो रूट को आपको वाटर करना है ये क्वेश्चन आंसर्स थे इसके नाउ सम ग्रामर पोर्शन वर्ड बिल्डिंग सो वर्ड बिल्डिंग में क्या है प्लेस लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर्स। कुछ फ्लावर्स के नाम आपको दिए हुए हैं लेकिन जंबल वर्ड्स हैं। ये एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है आपको इस तरीके से जंबल एक वर्ड होता है इसके लेटर्स को जम्बल कर दिया जाता है फिर अनजम्बल करके आपको उनको करेक्ट करना होता है इनको अनजम्बलिंग बोलते हैं जम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स चलिए सबसे पहले पी एई टी डब्ल्यू डबल ई एस तो ये कौन सा प्लांट है कौन सा फ्लावर है दिस इज स्वीट पी एस डब्ल्यू डबल ई टी स्वीट पीई ए पी ओके अभी मैं पिक्चर भी दिखा दूंगी एक सेकेंड अगर चलिए पहले आप आंसर लिख लीजिए बिकॉज यहां से अगर मैं नीचे जाती हूं तो ये इरेज हो जाएगा नेक्स्ट इज मैरीगोल्ड एम ए आर आई जी ओ एल डी तो बहुत कॉमन फ्लावर है नेक्स्ट इज जे एम आई एन ई एस दिस इज इजेस एम आई एन ई जामिन टी एल ओ यू एस दिस इज लोटस एल ओ टी यू एस लोटस फ्लावर नेक्स्ट आते हैं ए आर जी ओ एम ये है आपका एम ओ एक सेकेंड एम ओ जी आर ए दिस इज मोगरा बहुत अच्छी खुशबू आती है इस फ्लावर से नेक्स्ट इज डी एच डबल ए आई एल दिस इज डहलिया डी ए एच डह एल आई ए डहलिया नेक्स्ट इज एक्स ओ एल एच पी दिस इज फ्लॉक्स ये भी अभी फ्लार में आपको दिखाऊंगी सारे फ्लॉक्स नेक्स्ट है ए एन एस पी वाई दिस इज पैंसी लास्ट क्लास में भी ये यूज हुआ था वर्ड आपका पैंसी पॉपीज एंड पैंसिस नेक्स्ट इज बी आई एस आई एच सी यूएस दिस इज हिबिस्कस एच आई बी आई सी यू ओके हिबिस एस सी यू एस हिबिस्कस ओके सो so, ये पहले तो आप आंसर्स लिखेंगे नाउ मैं आपको फ्लार्स दिखा देती हूं देखिए सो दिस तो यू शुड नो ये तो आप जानती होंगे जो फर्स्ट में दिस इज लोटस एल ओ टी यू एस ओके पानी के अंदर होता है ये मोगरा है वैसे एग्जैक्ट पिक्चर यहां पर नहीं दिखाई हुई है आपको एक ही फ्लार्ट दिखाया हुआ बहुत छोटे छोटे फ्लार्ट होते हैं मोगरा के ये जैस्मिन है जैस्मिन और मोगरा एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट और दोनों के यूजेस भी एक जैसे हैं आप देखेंगे दोनों से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं ऑयल्स भी बनते हैं ओके दिस इज जैस्मिन ओके ये जैस्मिन है ये मोगरा है आप हो सकता है ये भी मोगरा हो क्योंकि पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है दोनों के वाइट फ्लावर्स होते हैं दोनों के बहुत छोटे फ्लावर्स होते हैं नेक्स्ट ये है हिबिस्कस चाइना रोज भी बोलते हैं इसको आप और हिंदी में गुडहल बोलते हैं कॉमनली देखने को मिलता है मैरीगोल्ड तो आप सब जानते ही होंगे वही मैं कह रही हूँ पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है देखिये मैरीगोल्ड ये गेंदे का है बट उन्होंने सिर्फ कलर से ही हमें पता लग रहा है बहुत क्लियर नहीं दिखाया हुआ है नेक्स्ट दिस इज फ्लॉक्स जो कि मैंने कहा था कोई नया फ्लावर हो सकता है आपके लिए ये फ्लॉक्स बोलते हैं इसको दिस इज पैंसी ओके ये है हमारा डहलिया और ये है स्वीट पी ओके okay, तो ये सभी फ्लॉर्स हैं आपके क्योंकि कई बार बच्चे सिर्फ रट लेते हैं नाम आपको पता नहीं होता है कि फ्लॉर कौन सा है तो एग्जाम में हो सकता है मैं हो सकता है ये आपको दे दूं क्विज में कि एक फ्लॉर दे दूं कहूं कि इसको पहचानो क्योंकि भाई आपको एनसीईआरटी में पिक्चर्स के साथ दिए हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिंदा ब्लैंक सी कर ले नाम रट ले आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा कौन सा फ्लॉर है ओके okay? एक बार चाहो तो आप दोबारा से देख सकते हो ये स्वीट पी है दिस इज डेहलिया दिस इज पैंसी दिस इज फ्लॉक्स ये है आपका जैस्मिन मोगरा हिबिस्कस एंड मैरीगोल्ड एंड लोटस ओके चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फन टाइम यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आपने स्कूल गार्डन में गए और अलग अलग प्लांट्स देखे श्रब्स देखे ट्रीज देखी है आपने प्लांट्स होते हैं छोटे श्रब्स तो घास फूस होती है और ट्रीज तो बड़े होते हैं द ग्रिड हैज नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज ग्रिड में आपको अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं कुछ हरिजोंटली कुछ वर्टिकली है कुछ डायग्नली भी हो सकते हैं हॉरीजोंटली हम ऐसे बोलते हैं सॉरी इज दिस लाइक दिस वर्टिकली ये होता है डायग्नली ये है कि कोई प्लांट का नाम इस तरीके से आपको मिल जाए आपको वो ढूंढने हैं इसमें तो वैसे तो अच्छा ये रहेगा कि आप वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करें ढूंढने की बट मैं फिर भी क्योंकि मुझे तो आंसर बता नहीं है अगर आपको नहीं मिलते तो मैं बता देती हूँ देखिए सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है इसमें दिस इज बर्ड बी यू डी बर्ड उसके बाद यहाँ पर जो पार्ट ऑफ प्लांट मुझे दिख रहा है दैट इज फ्लावर देखिए एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर ये आप इस तरीके से कर देंगे दोनों डायग्नली ही बने हैं फ्लावर बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है यहाँ पर नेक्स्ट एक और जो डायगोनली दिख रहा है दिस इज स्टेम एस टी ई एम स्टेम इसको कर दीजिए यहाँ पर सर्कल नेक्स्ट जो दिख रहा है ये सीधी लाइन में ब्रांचेस बी आर एन सी एच ई एस नेक्स्ट दिख रहा है हमारा थॉन्स ये भी एक पार्ट ऑफ प्लांट ही होता है कलर चेंज कर लेते हैं अभी थॉर्न्स ये रहा टी एच आर ओ एन एस ओके थॉर्न्स ये नेक्स्ट हो गया आपका उसके बाद पॉड दिख रहा है मुझे पीओडी ये रहा पार्ट ऑफ प्लांट नेक्स्ट रूट्स दिख रही है आर ओ टी एस इससे ज्यादा तो आई थिंक होते भी नहीं है फ्लावर हो गया फ्रूट हो गया लीफ होती है लीफ का ये रही लीफ एल ई एफ ओके लीफ हो गई बस यही कुछ आपके पार्ट ऑफ प्लांट्स है बाकी कोई अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप देख के बता भी सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में okay? लेकिन इतने तो है ही इसमें यहां पर आपको पार्ट ऑफ प्लांट दिए भी हुए हैं कुछ थॉर्न्स भी दिए हुए हैं देखिए स्टेम दिया हुआ है फ्लावर दिया हुआ है चलिए आगे आते हैं लेट्स टॉक डू यू हैव अ गार्डन एट होम क्या आपके घर पे गार्डन है ये तो आपको खुद ही बताना है उसमें कौन कौन से फ्लावर है एंड गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट वर्ड इज रूट जो यहाँ पर यूज हुआ है कि आप उनके थर्स्टी फीट को पानी दीजिए थर्स्टी फीट का क्या मतलब है पेड़ों के थर्स्टी फीट क्या होती है रूट्स ऑब्वियसली तो दूसरा वर्ड जो आप थोर्स्टी uh, फीट के लिए यूज कर सकते हैं वो होगा रूट्स ओके okay. नेक्स्ट इज वॉट हैपन वेन वी वॉटर प्लांट इन द मॉर्निंग मॉर्निंग में पानी देना अच्छा है मॉर्निंग में अगर आप पानी देते हैं तो क्या होगा दे विल ग्रो वेल दे विल ड्राई अप तो डेफिनेटली दे विल ग्रो वेल ड्राई अप नहीं होंगे एंड फ्रॉम वेयर डू फ्लॉर्स गेट वाटर फ्लार्स को पानी कहां से मिलता है फ्रॉम द बॉटम यानी कि रूट से या फिर फ्रॉम द टॉप लीव से तो फ्रॉम द बॉटम रूट से उनको पानी मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज से अलाउड अब ये वर्ड्स आपको सिर्फ बोलने हैं ये प्रोनाउंसिएशन के लिए दिया हुआ है सिर्फ सो फर्स्ट इज अर्ली कर्ली श्योर्ली देखिए इसको सरली मत बोलना दिस इज करली बट दिस इज श्योरली आर 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 तीनों की साउंड एक जैसी है तभी मैं कहती हूं कि uh, जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सही करो बच्चे बहुत अलग इसे आवर बोलते हैं इसे हावर बोलते हैं इसे आर बोलते हैं है, जबकि तीनों की साउंड आर ही है आर फ्लार फ्लार शावर फ्लावर इसमें वॉक की थोड़ी साउंड आती है दिस इज फ्लार देयर देयर केयर शुड सॉरी दिस इज कुड Could hood should wear wear seat sheet shake sake bread spread high sigh. Pick out the silent letter from these words. इनसे silent letters batane aapko kaun se hain jaise first word hai aapka R. जब आप pronounce अच्छे से करते हैं तो आपको rhyme जो silent letter आपने आप ही पता लग जाएगा कि H की sound नहीं है, so H is silent. Knit इज साइलेंट रॉंग, डब्ल्यू इज साइलेंट क्योंकि रॉंग बोल रहे हैं हम निट बोल रहे हैं आर बोल रहे हैं डाउट बी इज साइलेंट ऑफ़न, ऑफ्टेन नहीं बोलते हैं इसको वैसे जो आपकी अमेरिकन एक्सेंट है उसमें ऑफ्टेन कहा जाता है लेकिन क्योंकि हम ब्रिटिश वाली फॉलो करते हैं इसे हम लोग ऑफन कहते हैं ऑफन तो टी साइलेंट होता है नो के इज साइलेंट नाइट नाइट में हमने किस चीज की वो बोली है जी की देखिए साउंड क्या किस चीज की नहीं बोली है साउंड जी की साउंड ग होती है तो हमने इसको नाइक् तो नहीं बोला हमने बोला सीधा नाइट तो यानी कि क्या साइलेंट है यहां पर जी इज साइलेंट नेक्स्ट इज कुड एल इज साइलेंट राइट डब्ल्यू इज साइलेंट नाइफ के इज साइलेंट हाई जी इज साइलेंट जी इज इज साइलेंट वॉक एल इज साइलेंट ओके सो ये आपके साइलेंट लेटर्स हैं इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे लेट्स राइट राइट राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो वन हैज बीन डन फॉर यू जैसे मॉर्निंग इवनिंग राइमिंग वर्ड हो गए वैसे बहुत अच्छा तो राइमिंग नहीं है मॉर्निंग इवनिंग पर स्टिल कार कार का क्या हो सकता है बार स्टार है ना नेक्स्ट इज हाई स्काई फ्लाई देखो बहुत स्पेलिंग पे नहीं जाना है कि जीएच है तो उसमें भी जीएच हो बोलने में राइमिंग होना चाहिए हाई स्काई फ्लाई है ना राइमिंग है डेफिनेटली हीट बीट ग्रीट सीट बूट्स रूट्स एंड फ्रूट बूट्स के साथ फ्रूट्स भी मैच करा है भले ही स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है वेयर केयर मेयर शेयर ओके वर्ड्स लाइक मॉर्निंग इवनिंग वॉटरिंग एंड विद आई एनजी राइट सिक्स मोर वर्ड जो की आईएनजी से एंड होते हैं कैन बी एडेड सिक्स वर्ड जिनमें आप आई एन जी एड करके न्यू वर्ड बना सकते हैं ओके okay? जैसे मॉर्निंग में तो पहले से ही आई एन जी है मॉर्निंग तो कोई वर्ड नहीं होता ना लेकिन अब आपको ऐसे वर्ड्स लिखने जिनके पीछे आपने आई एनजी एड किया हो जैसे कि एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट वर्ड था आपने आई एनजी लगा के एक्सेप्टिंग बना दिया एक्सेप्ट करना लाइटनिंग लाइट वर्ड था लाइटनिंग एन आई एनजी लाइटन करना वर्ड होता है आई एनजी लगा के लाइटनिंग हो गया फाइटिंग फाइट वर्ड था आपने आई एन जी लगा दिया फाइटिंग ओके वॉटरिंग में जैसे आई एनजी लगा हुआ वॉटर वर्ड था एक्चुअली में आपका बर्निंग बर्न वर्ड था आपने आई एन जी लगा दिया बर्निंग हो गया अमेजिंग अमेज वर्ड था अमेजिंग आई एनजी लग के एक नया वर्ड बन गया अमेजिंग किलिंग के आई डबल एल आई एनजी ओके किल वर्ड था किलिंग हो गया आई एनजी लगा के तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके पीछे आप आई एनजी लगा के कुछ न्यू वर्ड्स बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विथ साउंड लाइक द वर्ड गिवन बिलो पोयम में कौन से वर्ड्स हैं जो इनकी तरह साउंड करते हैं आर तो आर तो मैंने बताया था आपको एच ओ यू आर ये आर बोला जाता है देअर टी एच ई आई आर देयर दोनों के साउंड सेम है वर्ड्स डिफरेंट है होमोफोन शोध बोलते हैं इनको फ्लार तो फ्लार को ये भी फ्लार ही बोला जाता है वेयर वेयर का वेयर है वैसे ये वेयर जो है बोल ये वेयर बोला जाता है हॉकी साउंड आती है थोड़ी इसमें नहीं आती बट स्टिल एक जैसी साउंड लग रही है सन तो सन तो पता ही है एस यू एंड सन थ्रू थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू ओके इन द सेंटेंस बिलो द कैपिटल लेटर कॉमा फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क आर मिसिंग यानी कि इनको बोलते हैं ये जो सब चीजें हैं ना कैपिटल लेटर्स कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क इनको हम कहते हैं पंक्चुएशन तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंक्चुएशन आर मिसिंग तो मतलब कि फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास ये सब चीजें मिसिंग है पुट दिस इन द करेक्ट प्लेस तो आपको इनको करेक्ट प्लेस में पुट करना है जैसे ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर हमेशा सेंटेंस का कैपिटल होता है तो आपको ओ कैपिटल लिखना चाहिए था उसके बाद मंडे का एम कैपिटल होना चाहिए था क्योंकि डे का नाम है ऑन मंडे देन कॉमा आता आई कैपिटल होता है हमेशा आई विल गो टू स्कूल और स्कूल के बाद फुल स्टॉप आता मैं इसी में करेक्शन कर देती हूँ आप दोबारा लिख लीजिएगा रहीम का आर कैपिटल होता कॉमा आता रवि का आर कैपिटल होता राजू का आर कैपिटल होता रहीम रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस फुल स्टॉप आता उसके बाद में सीता वेयर आर यू लुकिंग सीता तुम कहां देख रही हो तो सीता का एस कैपिटल होता क्योंकि नाम है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता क्योंकि आपने सीता को क्या किया है पहले आपने उसको बुलाया और उसके बाद सेंटेंस वेर आर यू लुकिंग है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता आपका ओके और यहां पर डब्ल्यू बी कैपिटल होता है एक्सक्लेमेशन के बाद पहले तो टी कैपिटल होता है द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह तो यहाँ पर मार्केट मिस्टर का एम कैपिटल सिंह का एस कैपिटल टेलर जो है मिस्टर सिंह वो मार्केट में गया है तो पहले आपने सेंटेंस बोल दिया फिर किसको कहा वो बताया हुआ है जैसे यहाँ पर सीता के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया था कॉमा आएगा फिर मिस्टर सिंह आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी संडे पहले तो सबसे पहला लेटर कैपिटल कर दो संडे का एस कैपिटल कर दो हर संडे को कॉमा क्योंकि उसके बाद आपने बात बतानी शुरू किया आई गो फॉर अ वॉक मैं पहले वॉक के लिए जाता हूँ कॉमा हैव ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करता हूँ रीड स्टोरी बुक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ उसके बाद कॉमा लगा दीजिएगा लिसन टू म्यूजिक म्यूजिक सुनता हूं एंड वॉच टेलीविजन और टीवी देखता हूं देन फुल स्टॉप लक्ष्मी का एल कैपिटल लक्ष्मी वाई आर यू क्राइम तो लक्ष्मी को आपने पहले संबोधित किया बुलाया उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा आपका लक्ष्मी सॉरी लक्ष, लक्ष्मी एक्सक्लेमेशन मार्क देन वाई कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए आर यू क्राइम एंड देन क्वेश्चन मार्क ओके डब्ल्यू कैपिटल होना था यहां पर नेक्स्ट इज डब्ल्यू कैपिटल व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई देन क्वेश्चन मार्क बहुत कुछ नहीं है इसमें तो नेक्स्ट इज ऑरेंज ऑरेंजेस मैंगोज बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स ऑरेंज ऑरेंजेस कॉमा क्योंकि हम एक ही कैटेगरी की चीजों की बात कर रहे हैं मैंगोज कॉमा आर एंड पपायाज आर फ्रूट सो दिस इज फुल स्टॉप ओके तो ये आपकी पंक्चुएशन पंक्चुएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये टीम वर्क है आपको एक स्टोरी लिखनी है एक स्पीच प्रिपेयर करना है वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट uh, करना क्यों इंपॉर्टेंट है तो स्पीच आप प्रिपेयर कर लीजिएगा दैट्स ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होपफुली चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज भी अपलोड